हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल प्लेइंग स्मार्ट क्रिकेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के 43 मैच की, जो कि खेला जाने वाला है पर्थ स्क्वाड से वर्सेस मेलबर्न रेडिएट्स की तरफ से। तो बात करेंगे दोनों टीमों के स्क्वाड की, जो कि दोनों टीमों ने 13-13 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया है। और दोस्तों, बात करेंगे कौन से प्लेयर स्क्वाड से बाहर गए हैं और किन प्लेयर्स को स्क्वाड में लाया गया है। तो बात करें यहाँ पर, देखिए पर्थ यहाँ पर मेलबर्न रेडिएट्स की तरफ से दोस्तों जो एक चेंज हुआ है, यहाँ पे देखिए जॉय मेनी को स्क्वाड में लाया गया है। दोस्तों, वो ये मैच खेलने वाला है, ये कन्फर्म भी है, मुझे लग रहा है कि वो डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आने वाला है। तो यहाँ पे जॉय मेनी स्क्वाड में आया, अब उसकी जगह बाहर किसे गए गया, जॉन हॉलैंड को बाहर किया गया है। तो बस ये एक चेंज हुआ है यहाँ पे मेलबर्न रेडिएट्स की तरफ से। बात करें पर्थ स्क्वाड का स्क्वाड, जो कि दोस्तों पिछले मैच के लिए स्क्वाड था, वही स्क्वाड इस मैच के लिए भी अनाउंस हुआ। तो यहाँ पे पर्थ स्क्वाड की तरफ से कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इन दोनों का स्क्वाड देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे डोलो स्टार की ऐप और बनाएंगे ड्रीम इलेवन की टीम। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा रेड कलर का, आपको उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, अगर आप उसे भी दबा लेते हैं तो दोस्तों क्या रहेगा कि मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से स्क्वाड देख लेते हैं। दोस्तों, स्क्वाड देखने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने टेलीग्राम पर जाना है और मेरा चैनल सर्च करना है प्लेइंग स्मार्ट क्रिकेट। आपको यहाँ पर दोस्तों स्क्वाड और जो दोस्तों कोई भी न्यूज़ होती है यहाँ पे सबसे पहले मिल जाती है। तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके रखें, और कोई मैच से पहले इंजरी किसी प्लेयर को हो जाती है तो मैं वो न्यूज़ यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं डोलो स्टार की। दोस्तों, यह डोलो स्टार की ऐप, अगर अभी तक आप लोगों ने यहाँ पर खेलना स्टार्ट नहीं किया तो खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब ड्रीम इलेवन पर कॉम्पिटिशन बहुत ही हाई हो चुका है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ पे एक बार विजिट जरूर करें और खेल के देखें। दोस्तों, हो सकता है आप यहाँ पे अच्छा खासा विन कर पाएँ। मैंने इस ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, साथ में अपना रेफरल कोड भी दिया है, जिससे कि आपको कैश बोनस भी मिल जाएगा आसानी से। आपको देखिए रजिस्टर करने पर तुरंत ही 50 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा, और जैसे ही आप मोबाइल वाईफाई कराएंगे आपको 50 रुपये का कैश बोनस और मिल जाएगा, यानी कि टोटल आपको 100 रुपीज़ का कैश बोनस भी मिलने वाला है। इसे आप थोड़ा थोड़ा करके आप किसी भी लीग में यूज कर सकते हैं। तो एक बार दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, आप फटाफट से स्क्वाड देखते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे ड्रीम इलेवन की टीम और देखेंगे डोलो स्टार की टीम। बात करें दोस्तों स्क्वाड की मेलबर्न रेडिएट्स की, तो देखिए यहाँ पे एक जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है यहाँ पे मेलबर्न रेडिएट्स का। अब देखिए, मैंने जो बताया एक चेंज हुआ है यहाँ पे, जॉय मेनी को स्क्वाड में लाया गया है यहाँ पे जॉन हॉलैंड की जगह। तो बस केवल यहाँ पे एक चेंज हुआ है। बात करें यहाँ पे कि इनके फुल स्क्वाड की, तो यहाँ पे एरन फिंच है, कैमरन बॉयस, डेनियल क्रिश्चियन, टॉम कूपर, हैरी गर्नी, मैगजीन हार्वे, सैम हार्पर, जॉय मेनी, मोहम्मद नबी, केन रिचर्डसन, क्रिस ट्रेनमैन, कैमरन वेलेंटी और विवो वेस्टर। तो यहाँ पे ये 13 मेंबर्स का स्क्वाड है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन से वो दो प्लेयर रहेंगे जो ये मैच का नहीं खेलने वाले। तो देखिए, एक तो यहाँ पे विवो वेस्टर मुझे लग रहा है, और दूसरा यहाँ पे क्रिस ट्रेनमैन। अब क्रिस ट्रेनमैन को पिछले मैच में खिलाया गया था दोस्तों, लेकिन देखिए कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। अब लेकिन जॉय मेनी आ गया, तो यहाँ पे देखिए जॉय मेनी ये मैच खेलने वाला है यहाँ पे क्रिस ट्रेनमैन की जगह। तो आप क्रिस ट्रेनमैन को मत ट्राई कीजिएगा, और यहाँ पे विवो वेस्टर भी नहीं खेलने वाला। बाकी प्लेयर दोस्तों आपके लिए सेफ रहने वाले हैं, मैं आपको एक बार से बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको आपके लिए जो सेफ चॉइस रहने वाली है, यहाँ पे एरन फिंच जो कि ओपन करेगा और कैप्टनसी भी करने वाला है मेलबर्न रेडिएट्स की। यहाँ पे कैमरन बॉयस दोस्तों पिछले मैच में इसने ओपन किया था, लेकिन बॉलर है, लेकिन फिर भी इसे पिछले मैच में ओपन करा दिया गया था। तो हो सकता है दोस्तों इस मैच में भी ओपन करा जाए, कुछ आपके लिए अच्छे रन्स कर दे। दोस्तों बॉलिंग में भी अपने 4 ओवर पूरे करेगा, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे डेनियल क्रिश्चियन भी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, आप जा सकते हैं। टॉम कूपर भी खेलने वाला, आपको सेकंड राउंड बैटिंग करते हुए नजर आ जाएगा मेलबर्न रेडिएट्स की तरफ से। यहाँ पे हैरी गर्नी है, आप अगर इसको ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हैं, खेलने वाला है। मैगजीन हार्वे, सैम हार्पर भी खेलने वाला है दोस्तों, आपको वन डाउन बैटिंग करते हुए नजर आ जाएगा। जॉय मेनी भी दोस्तों खेलने का चांस हाई है, अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो दोस्तों यहाँ पे आप इसको अपनी टीम में रख सकते हैं। मोहम्मद नबी भी खेलने वाला, आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है ऑलराउंडर सेक्शन में। दोस्तों केन रिचर्डसन भी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। दोस्तों आपने देखा होगा अभी तक इसने जितने भी मैचेस खेले हैं, उसने हर मैच में 2 से 3 विकेट हर मैच में निकाले हैं। तो आप अपनी टीम में केन रिचर्डसन को ट्राई कर सकते हो, अगर चाहें तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे कैमरन वाइट भी खेलने वाला, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। पिछले मैच में दोस्तों 40 रन्स की पारी खेली थी। पर स्क्वाचर के स्क्वाड की बात करें तो देखिए कुछ स्क्वाड इस तरह से अनाउंस है, हालांकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। मिचेल मार्स, एस्टन टर्नर, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, जेसन बैनड्रॉफ, हेल्टन कार्टराइट, नेथन कोटनाइल, लैम गथी, निक होब्सन, मैथ्यू केली, माइकल क्लिंगर, शॉन मार्स, उस्मान कादिर और एंड्रयू टॉय।
तो ये 13 मेंबर्स का स्क्वाड है। अब यहाँ पे बात करें दो रिस्की प्लेयर्स की, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे दो प्लेयर रिस्की लग रहे हैं, एक तो माइकल क्लिंगर जो कि ओपन करता था इनके लिए लेकिन अब उसे बाहर कर दिया गया टीम से, और यहाँ पे एक लैम गत्ती। तो ये दो प्लेयर मुझे रिस्की लग रहे हैं, बाकी प्लेयर दोस्तों सेफ लग रहे हैं। यहाँ पे मिचेल मार्श आपको वन डाउन बैटिंग करते हुए नजर आ जाएगा, एस्टन टर्नर आपको सेकंड डाउन बैटिंग करते हुए नजर आएगा, यहाँ पे कैमरन बैनक्रॉफ्ट आपको ओपन करते हुए नजर आएगा और साथ में विकेट कीपिंग भी करेगा। यहाँ पे जेसन बैनक्रॉफ्ट जो कि आपके लिए बॉलिंग सेक्शन में अच्छी चॉइस हो सकती है। हिटर कार्टराइट आपको फोर डाउन बैटिंग करते हुए नजर आ जाएगा। यहाँ पे नीथन कोटरनाइल आप इसके साथ जा सकते हैं, खेलने वाला है। निक होब्सन भी खेलेगा आपको दोस्तों थर्ड डाउन या फोर्थ डाउन साथ सेकंड डाउन बैटिंग करते हुए नजर आए। यहाँ पे मैट कैली भी खेलने वाला है, आप इसके साथ जा सकते हैं। शॉन मार्श आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएगा प्रतीक कौशल के लिए। यहाँ पे उस्मान कादिर भी खेलने वाला है और अंजू टाई भी खेलने वाला है। तो यहाँ पे बात करें बस दो प्लेयर आपके लिए रिस्की रहने वाले हैं, यहाँ पे लैम गत्थी और दोस्तों माइकल क्लिंगर, बाकी प्लेयर आपके लिए सेफ रहने वाला है, तो आप उन सभी के साथ जा सकते हैं। अब दोस्तों चलिए फटाफट से हम लोग ड्रीम इलेवन की टीम देख लेते हैं। दोस्तों ड्रीम इलेवन की टीम देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, क्योंकि देखिए आपकी वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी न्यूज लाऊं और आपको अच्छी से अच्छी ड्रीम इलेवन टीम प्रोवाइड कर सकूँ। तो दोस्तों आपको मेरे वीडियो को लाइक तो जरूर करना है। बात करें दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के जो कि थर्ड ओडीआई होने वाला है, अगर अभी तक आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो मैंने वीडियो डाल दी है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे प्रतीक कौशल वर्सेज मेलबर्न रेगनेट्स की टीम बना लेते हैं। वैसे मैंने टीम बना ली थी, तो चलिए फटाफट से आपके साथ एक दूसरी टीम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करें विकेट कीपिंग सेशन में, आपको देखिए यहाँ पे पांच चॉइसेस मिलती हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए जोस इंग्लिश तो स्क्वाड में नहीं है, सैम वाइटमैन भी नहीं है और यहाँ पे टीम लोडमैन भी नहीं है, तो ये तीन तो ये मैच खेलने वाले ही नहीं है। यहाँ पे देखिए कैमरन बैनक्रॉफ्ट आपके लिए अच्छी चॉइस रहेगी और सैम हार्पर, यहाँ पे कैमरन बैनक्रॉफ्ट प्रतीक कौशल के लिए ओपन करेगा और सैम हार्पर मेलबर्न रेगनेट्स की तरफ से वन डाउन बैटिंग करने आएगा। दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हो, दोनों ही अच्छी फॉर्म में, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं अगर अपनी चॉइस बताऊँ तो यहाँ पे मैं कैमरन बैनक्रॉफ्ट को भी अपने टीम में रखने वाला हूँ। अगर आप सैम हार्पर के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हो दोस्तों, एक अच्छा बल्लेबाज हो, अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी टीम में कैमरन बैनक्रॉफ्ट को रखने वाला हूँ। बात करें दोस्तों बैटिंग सेशन की, तो देखिए यहाँ पे आपको एरन फिंच ओपन करते हुए नजर आ जाएगा मेलबर्न रेगनेट्स की तरफ से, दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, अच्छी फॉर्म में भी, तो यहाँ पे मैं अपनी टीम में एरन फिंच को रखने वाला हूँ। दोस्तों आपने पिछले मैच में शॉन मार्श की बैटिंग देखी होगी, 96 रन किए थे और दोस्तों बहुत ही हार्ड हिटिंग पारी खेली थी, तो यहाँ पे मैं अपनी टीम में शॉन मार्श को रखने वाला हूँ जो कि प्रतीक कौशल के लिए ओपन करेगा। बात करें एस्टन टर्नर, आपको सेकंड राउंड बैटिंग करते हुए नजर आ जाएगा, तो यहाँ पे आप एस्टन टर्नर के साथ जा सकते हैं, एक अच्छा बल्लेबाज है, हार्ड हिटर बल्लेबाज है, दोस्तों कभी भी आपको अच्छे पॉइंट विन करा सकता है, तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी टीम में एस्टन टर्नर को भी रखने वाला हूँ। बात करें दोस्तों कैमरन व्हाइट ने पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो यहाँ पे आप अपनी टीम में कैमरन व्हाइट को भी रख सकते हैं, आपको थर्ड राउंड बैटिंग करते हुए नजर आ जाएगा मेलबर्न रेगनेट्स की तरफ से, और दोस्तों पिछले मैच में जो इसने 40 रन किए थे अच्छी पारी खेली थी। बात करें अब यहाँ पे मार्कस हैरिस की, तो दोस्तों नहीं खेल वाला, मत ट्राई कीजिएगा, आप कैमरन व्हाइट के साथ जाना चाहते तो जा सकते हैं। माइकल क्लिंगर भी दोस्तों खेलने का चांस कम है, तो मत ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए अब बात आती है टॉम कूपर की, टॉम कूपर दोस्तों खेलने वाला है, आपको सेकंड राउंड बैटिंग करते हुए नजर आएगा मेलबर्न रेगनेट्स की तरफ से, तो अगर आप जाना चाहें तो इसके साथ जा सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं चॉइस बताऊं तो यहाँ पे आप हिडन कार्टराइट को ट्राई कर सकते हैं, प्रतीक कौशल की तरफ से खेलने वाला है, आपको फोर्थ डाउन बैटिंग करते हुए नजर आएगा। यहाँ पर कैल्विन स्मिथ नहीं खेलने वाला, मत ट्राई कीजिएगा। मैगजीन हरवे थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने आ रहा है, तो अब ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, अगर हो सकता है इसे ओपन भी करा दिया जाए, मुझे ऐसा लगता है इस मैच में दोस्तों ये ओपन करने वाला है, हालांकि अब ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि उसे लोअर ऑर्डर में बैटिंग कराते हैं या फिर ओपन कराते हैं। अब यहाँ पे बात करें निक होब्सन खेलने वाला है, अगर आप जाना चाहते तो दोस्तों ग्रैंडलिंग में ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैंने देखिए यहाँ पे मैं अगर चौथा प्लेयर रखूँगा तो यहाँ पे मैं अपनी टीम में टॉम कूपर को रखने वाला हूँ। अब बात करें ऑलराउंडर सचिन की, देखिए यहाँ पे डेनियल क्रिश्चियन है जो कि पार्ट टाइम एक से दो ओवर कर सकता है और दोस्तों बैटिंग थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में करने आता है, तो यहाँ पर अगर आप क्रेडिट बैलेंस करना कर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर डेनियल क्रिश्चियन को ट्राई कर सकते हैं। हालाँकि देखिए अगर आप डेनियल क्रिश्चियन को लेते हैं तो थोड़ा सा आपकी टीम का बैलेंस बिगड़ सकता है, तो यहाँ पे मैं अपनी टीम में डेनियल क्रिश्चियन को नहीं ले रहा हूँ, मैं अपनी टीम में यहाँ पे मोहम्मद नबी को रखने वाला हूँ जो कि पार्ट टाइम दो से तीन ओवर तो करेगा ही दोस्तों, बैटिंग भी थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में करने आता है, आपको फोर्थ डाउन या थर्ड डाउन बैटिंग करते हुए नजर आ जाएगा मेलबर्न रेगनेट्स की तरफ से, तो यहाँ पर मैं अपनी टीम में मोहम्मद नबी को रखने वाला हूँ। बात करें यहाँ पे मिचेल मार्श जो कि आपको वन डाउन बैटिंग करते हुए नजर आएगा प्रतीक कौशल के लिए, दोस्तों पिछले मैच में अच्छी पारी भी खेली थी, तो यहाँ पर मैं अपनी टीम में मिचेल मार्श को रखने वाला हूँ। बात करें दोस्तों विल बसिस्टो तो है नहीं, आप मत ट्राई कीजिएगा, एरन हार्डी भी नहीं है, विल बसिस्टो स्क्वाड में है लेकिन खेलने वाला नहीं है, आप मत ट्राई कीजिएगा, और जैक भी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए ये तीन चॉइसेस बचती हैं, आप किसी के साथ जा सकते हैं, मैंने दो ऑलराउंडर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो देखिए यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में आप एंड्रू टाई के साथ जा सकते हैं, आपको देखो और बॉलिंग करते हुए नजर आएगा। दोस्तों यहाँ पे
एंड्रू टाइगर क्या रहता है दोस्तों, हर मैच में एक से दो विकेट तो जरूर ही निकाल देता है। तो आप अगर जाना चाहते हो तो एंड्रू टाइगर के साथ जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट बचता है तो, मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी क्रेडिट की प्रॉब्लम आएगी तो मैं अपनी टीम से एंड्रू टाइगर को नहीं रखने वाला। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ केन रिचर्डसन के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और लगातार विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अपनी टीम में केन रिचर्डसन को रखने वाला हूँ। दोस्तों नेथन कुटर लाइन भी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, हालांकि पिछला मैच बहुत ही खराब रहा था, लेकिन दोस्तों एक अच्छा बॉलर है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी टीम में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे नेथन कुटर नाइल के साथ जा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए कैमरन बॉयस आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, हालांकि पिछले मैच में ओपन किया था लेकिन जीरो पे आउट हो गया था, लेकिन हो सकता है इस मैच में ओपन अगर करता है दोस्तों, हो सकता है आपके लिए 20 से 30 रन्स कर दे और एक से दो विकेट निकाल दे, तो आपके लिए यहाँ पे अच्छी चॉइस हो सकती है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे या तो कैमरन बॉयस को ले सकते हैं या फिर यहाँ पे नेथन कुटर नाइल को ड्रॉप करके दोस्तों यहाँ कैमरन बॉयस को ले सकते हैं, या फिर देखिए हैरी गर्नी भी खेलने वाला, आप इसके साथ जा सकते हैं। उसने पिछले मैच में दो विकेट्स निकाली थी और अच्छी फॉर्म में है, लगातार विकेट निकाल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हैरी गर्नी को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे जेक विद्युमुत दोस्तों नहीं खेलने वाला, मत ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जेसन बेंड्रॉप दोस्तों आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, कन्फर्म है इसका खेलना। दोस्तों बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और लगातार दोस्तों विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अपनी टीम में जेसन बेंड्रॉप को भी रखने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जे रिचर्डसन है नहीं, जॉन हॉलैंड है नहीं, जॉय मेनी दोस्तों खेलने वाला है। अब ग्रैंड लीग अगर खेलते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए भी अच्छी चॉइस हो सकती है, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। क्रिस्टियन मैन मुझे लगता है यह नहीं खेलने वाला, क्योंकि दोस्तों इसकी जगह यहाँ पे जॉय मेनी खेलने वाला है। बात करें दोस्तों यहाँ पे एंड्रू फिकटी भी नहीं खेलेगा, विल सुदरलैंड भी नहीं खेलने वाला, जैक भी नहीं खेलेगा, जॉल पेरिस भी नहीं खेला, उस्मान कादिर को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे कैमरन ग्रीन नहीं खेलने वाला, मत ट्राई कीजिएगा। बात करें यहाँ पे मैथ्यू केली खेलने वाला, आप इसके साथ जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि अगर आप यहाँ पे अगर क्रेडिट बैलेंस कर ले जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप नेथन कुटर लाइल को भी ट्राई कर सकते हैं, एंड्रू टाइगर को भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एस्टन टर्नर को ड्रॉप करके दोस्तों, या फिर आपको यहाँ पे कार्टराइट को लेना होगा, जिससे कि आप यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से हैरी गर्नी को ड्रॉप करके एंड्रू टाइगर को ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे नेथन कुटर लाइल को ले सकते हैं। तो ये आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं जो कि आपके ऊपर रहेगा कि आप यहाँ पे एस्टन टर्नर को ड्रॉप करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। तो दोस्तों मेरी जो ये टीम रहेगी आपको मैं फाइनल प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिया है कैमरन बैनक्रॉफ्ट को, जो कि आपको विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएगा और ओपन करते हुए नजर आएगा पर्थ स्क्वाच के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है एरन फिंच को, जो कि ओपन करेगा मेलबर्न रेगडर्स की तरफ से। मैंने लिया टॉम कूपर को, जो कि आपको सेकंड डाउन बैटिंग करते हुए नजर आएगा। मैंने लिया एस्टन टर्नर को, जो कि पर्थ स्क्वाच के लिए वन डाउन बैटिंग करते हुए नजर आएगा। यहाँ पे देखिए सेकंड डाउन बैटिंग करते हुए नजर आए। यहाँ पे सेवन मार्क्स ओपन करते हुए नजर आएगा। मोहम्मद नबी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया मिचेल मार्श, जो कि वन डाउन बैटिंग करते हुए नजर आएगा पर्थ स्क्वाच के लिए। यहाँ पे मैंने लिया कैमरन बॉयस को, हैरी गर्नी, केन रिचर्डसन और जेसन बेंड्रॉप। अब दोस्तों आती है बात कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो देखिए यहाँ पे जो मेरी चॉइसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए शॉन मार्श एक अच्छी चॉइस हो सकती है, आप अगर हेड टू हेड लीग खेलते हैं। ये दोस्तों जो कि जो भी आपसे आपका अपॉइंटमेंट होगा वो अधिकतर यहाँ पे शॉन मार्श और एरन फिंच के साथ जाएगा, दोनों ही अच्छी चॉइस है। अगर आप जाना चाहें तो इनके साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं अदर चॉइसेस की बात करूँ तो देखिए कैमरन बैनक्रॉफ्ट भी अच्छी चॉइस हो सकती है, हालांकि देखिए इसके पिछले दोनों मैच अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन हो सकता है इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस कर दे तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हो सके आप इसे कैप्टन बना दिए और यहाँ पे वाइस कैप्टन आप एरन फिंच को बना सकते हैं, तो कुछ ये कर सकते हैं। या फिर आप मिचेल मार्श के साथ जा सकते हैं और मोहम्मद नबी को ट्राई कर सकते हैं, ये कुछ आप कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट से अब हम लोग डोलो स्टार की डोलो स्टार की भी टीम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले से ही टीम बना ली है, तो चलिए आपको फटाफट से टीम का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। हालांकि देखिए मैं जो डोलो स्टार की ऐप पे खेलता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करके खेलता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पे कौन से चेंजेस करके वह खेले हैं और दोस्तों कौन से प्लेयर्स को अपनी टीम में रखा है और कौन से प्लेयर्स को अपनी टीम से बाहर किया है। तो देखिए मैंने वहाँ पर कुछ अलग टीम बनाई थी, यहाँ पर मैंने कैमरन बैनक्रॉफ्ट को लेकर उसे कैप्टन बना दिया है, मिचेल मार्श को लिया, एस्टन टर्नर को लिया, एरन फिंच लिया, टॉम कूपर लिया, शॉन मार्श लिया, मोहम्मद नबी को लिया, नेथन कुटरलैंड, जेसन बेंड्रॉफ्ट, केन रिचर्डसन और कैमरन यहाँ पे तो कैमरन बेंड्रॉफ्ट। तो दोस्तों ये मेरी टीम रहेगी डोलो स्टार की। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों आपको डोलो स्टार का ऐप कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।